उनके अफसर होते हैं जो उनको पढ़ाते हैं, केवल वो वही बोलने का काम करते हैं। उन्होंने कभी अपने आंखों से आकलन नहीं किया जिस तरीके से महामारियां जो बीमारियां जो थी, तो उस समय में हम लोगों ने लालू रसोई लगाने का काम किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें बिहार को नीचे से प्रथम स्थान दिया गया। ये रिपोर्ट बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर था। स्वास्थ्य व्यवस्था में बिहार को 15वां स्थान मिला है, जिसको लेकर तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ पता नहीं रहता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकारी जिस तरीके से बताते हैं, बस नीतीश कुमार वही सही समझ लेते हैं, कभी भी खुले आंखों से खुद आकलन नहीं करते। क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, जरा आप वो सुनिए। स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी को क्या जानकारी होता है, क्या जानकारी नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी को जो कागजी जो रूपरेखा होता है, जो उनके अफसर होते हैं जो उनको पढ़ाते हैं, केवल वो वही बोलने का काम करते हैं। उन्होंने कभी अपने आंखों से आकलन नहीं किया कि क्षेत्र में जब कोरोना महाकाल, जब जिस तरीके से महामारियां जो बीमारियां जो थी, तो उस समय में हम लोगों ने लालू रसोई लगाने का काम किया था। नौजवानों ने घर से निकलने का काम किया था, तमाम नेता ने घर से निकलने का, सब लोग घर में थे, लेकिन हमने एक मात्र थे और छात्र नौजवानों को लेकर के हमने कोरोना काल में भी हमारे जो नौजवान छात्र थे पूरे जोर तोड़ के साथ और मेहनत करने का वो लोगों ने काम किया। तो छात्र नौजवान का हमारा मकसद है कि छात्र नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करना। तो आपने सुना तेज प्रताप यादव को किस तरीके से गरज रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, और ये कहते दिखाई दे रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ पता नहीं रहता, जो भी अधिकारी बताते हैं उसे सही समझकर वो समझ जाते हैं और वही बातें वो कहते भी हैं। साथ ही साथ यह भी कहते दिखाई दे रहे थे तेज प्रताप यादव कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी चीज़ों को खुले आंखों से देखकर समझते नहीं हैं। जिस तरीके से नीति आयोग ने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए 15वां स्थान बिहार को दिया है, कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री इन सवालों से भले ही बचते नजर आ रहे हैं, मगर विपक्ष लगातार सवाल दागता नजर आ रहा है। उसी कड़ी में तेज प्रताप यादव ने भी कई गंभीर सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उठाए हैं और यह कह दिया कि अधिकारियों के बातों को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सही मानते हैं। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो उनके अफसर होते हैं जो उनको पढ़ाते हैं, केवल वो वही बोलने का काम करते हैं। उन्होंने कभी अपने आंखों से आकलन नहीं किया जिस तरीके से महामारियां जो बीमारियां जो थी, तो उस समय में हम लोगों ने लालू रसोई लगाने का काम किया था।